तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला ट्रिक्स वो कौन सा है मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला ट्रिक्स। तो सबसे पहले आप फ्रेंड्स गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर टाइपिंग कर देंगे रिमूव बीजी। देखिए रिमूव बीजी ऊपर में आ गया, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। मेरा इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट ओपन करूँगा, ठीक है। ओपन में जाने के बाद देखिए किस तरह से काम करता है। देखिए अपलोड इमेज, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका गैलरी में जाना है, उसके बाद एल्बम में जाना है, ठीक है। एल्बम में जाने के बाद आपका कौन फोटो को बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं एक ले लेना है, ठीक है। मैं इसका बैकग्राउंड इरेज करना चाहता हूँ, यह सेलेक्ट हो गया। देखिए बहुत ही आसानी से बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा, कोई झंझट नहीं, टेंशन नहीं। लेकिन एक बात फ्रेंड्स, ये डाटा ऑन रखना पड़ेगा तभी जाके होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आप देखिए बैकग्राउंड कितना अच्छा से इरेज हो जाएगा। देखिए होने लग गया है, उसके बाद दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा से इरेज हो गया। उसके बाद आप यहां से सेव कर सकते हैं। देखिए सेव में दबा देंगे तो सेव हो गया है। उसके बाद आपको फाइल मैनेजर में जाकर दिखाते हैं किस तरह से इरेज हो गया, ठीक है। देखिए PNG बन के इरेज होके रेडी, कितना अच्छा से कटिंग हो गया है। तो इस तरह से काम करेगा ये फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड सेकंड ट्रिक्स वो क्या है, वो फेसबुक वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फेसबुक को ओपन करेंगे। देखिए फेसबुक ओपन कर रहे हैं हम। ओपन होने के बाद देखिए फेसबुक ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसका देखिए साइड साइड कितना वाइट आ रहा, ठीक है। इसमें आँख में भी लगता है, ठीक है। देखिए पहले देख लीजिए, ठीक है, वाइट आ रहा। इसको डार्क मोड करना है, ठीक है। डार्क मोड कैसे करेंगे तब जाके अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोना में 3 डॉट दिखा रहा, ठीक है, 3 लाइन, ठीक है। इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी, ठीक है, इसको ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद देखिए इसके अंदर भी एक सेटिंग है, ठीक है। सेटिंग में ऑन करेंगे, उसके बाद देखिए ऊपर से नीचे आ जाइए और यहाँ पर देखिए डार्क मोड ऑप्शन आ रहा, ठीक है। इसको टच कीजिए और ऊपर में है ऑन, ऑन कर दीजिए, आपका चेंज हो जाएगा डार्क मोड। देखिए अभी आप फेसबुक चलाइए कितना अच्छा लगेगा। देखिए डार्क मोड हो गया है, अभी कुछ टेंशन नहीं है, कितना अच्छा लग रहा। देखिए आँख में भी नहीं लगेगा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों के पास ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसको आता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं आता है वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तीसरा ट्रिक्स आप लोगों को सिखाते हैं। वो ट्रिक्स है फ्रेंड्स, अपने ईमेल आईडी पर मनपसंद फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाएंगे, देखिए प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर जो ईमेल आईडी का फ़ोटो आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से जाके लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा इसका चेंज करना चाहते हैं, देख लीजिए फ़ोटो है, ठीक है। उसका नीचे लिखा हुआ है मैनेज योर अकाउंट, ठीक है। इसमें आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, थोड़ा टाइम भी ले सकता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, इंतज़ार कीजिएगा। उसके बाद खोलने के बाद देखिए फ्रेंड्स पर्सनल इन्फो, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इधर नीचे में आइए, ठीक है, यहाँ पर फ़ोटो लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर ए फोटो हेल्प पर्सनल योर अकाउंट, ठीक है। इसमें आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सेट प्रोफाइल फ़ोटो, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। टेक फोटो, चूज़ फोटो, कोई भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं चूज़ फ़ोटो करूँगा और गैलरी से एक फ़ोटो ले लूँगा जिसको मैं लगाना चाहता हूँ ईमेल आईडी में, ठीक है। तो मैं ये वाला फ़ोटो लेना चाहता हूँ और इसको क्लिक करके यहाँ पर लाऊँगा और इसके बीच में इस यहाँ से आएगा, ठीक है। इस तरह से सेट कर लीजिएगा, उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए सेट हो जाएगा, फ़ोटो लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए यहाँ भी लग गया, यहाँ लग गया, इसका मतलब पूरा लग गया, ठीक है। तो इस तरह से लगाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों के पास ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड चौथा नंबर ट्रिक्स क्या है, व्हाट्सअप वाला है, ठीक है। तो व्हाट्सअप को सबसे पहले ओपन करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स मैं एक को क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद देखिए इसमें बहुत सारा
मैसेज आया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा मैसेज आया हुआ है, और किसी को आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से बहुत सारा आया हुआ है, तो आप डिलीट करेंगे किस तरह से, सेलेक्ट 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 इस तरह से करके डिलीट करेंगे ना, तो मैं इस ट्रिक्स बताऊंगा जो एक साथ पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर थ्री डॉट दिखा रहा है ऊपर में कोना में, ठीक है, इसमें क्लिक करना है और मोर में जाना है, ठीक है। मोर में जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्लियर चैट, ठीक है, क्लियर चैट में ओके करना है, ठीक है, और क्लियर कर देना है। देखिए एक साथ पूरा क्लियर हो गया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत, आराम से क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आखिर में वो पांचवा ट्रिक्स क्या है आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप डायल पैड में आएंगे, डायल पैड में आने के बाद फ्रेंड्स जैसे कोई भी नया सिम लेता है जियो का, ठीक है, तो उसको तुरंत याद नहीं रहता है, ठीक है, उसको कैसे निकाले, कैसे पता करें नंबर नंबर क्या है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप डायल पैड में आने के बाद देखिए यहाँ पर 1299 करके यहाँ पर आपको कॉल कर देना है, ठीक है, डरने का कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से आप उधर से, ठीक है, और उधर से एक रिप्लाई मैसेज आएगा, ठीक है, रिप्लाई मैसेज देखिए ऊपर में आ गया, ठीक है। तो आने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, देखिए ऊपर में देखिए ये वाला मैसेज आपका आ गया, यहाँ पर आपका नंबर शो कर रहा है, देखिए ये वाला नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं अपना नया सिम का मोबाइल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि मेरा पांचों ट्रिक्स आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स ओके, थैंक यू, बाय।